हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खो न जाए ये तारे जमीन पर। नाज़रीन, आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि बच्चों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए आगाही फैलाई जा सके। तो आज हमने भी सारी सियासत को छोड़कर बच्चों के हालात पर एक प्रोग्राम जो है वो आपके सामने मुरतब किया है। मैं हूं मुनीज़े जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, हर कोई इनके रोशन मुस्तकबिल के बारे में दावा और वादे तो करता है, लेकिन इनकी जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए सबसे कम काम हुआ है। वो कौम ही क्या जो अपने बच्चों पर तवज्जो ना दे सके। कवानीन होने के बावजूद आज तकरीबन 1,20,00,000 बच्चे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं, जिनमें से 60,00,000 बच्चों को की उम्रें तो 10 साल से भी कम हैं। तकरीबन 15,00,000 बच्चे सड़कों पर सोते हैं। आप सही समझे, 15,00,000। 20 नवंबर 1999 को पाकिस्तान ने अक़वामे मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए हकूक इत्तफाल पर दस्तखत किए और कानूनन पाबंद हो गया कि मुल्क के बच्चों को तहफ्फुज़ और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कवानीन बनाए जाएं और इन पर अमल दरामद भी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और आज भी 8 बरस का जहांगीर कचरा चुनता है, 12 साल सुदेस मिस्त्री का काम करता है और जहांजेब भी सारा दिन मेहनत करता है और कुछ ही चंद रुपए कमा सकता है। आइए आपको लेके चलते हैं पिशावर, जहां पे फजाना अली इन बच्चों के बारे में बता रही हैं। आज दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बड़े बड़े होटल और सेमिनारों में होने वाली बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हकीकत पिशावर के गली कूचों में जहांगीर, सुदेश और रिजवान की शक्ल में हमारे सामने है। 8 साल जहांगीर सुबह से शाम तक कचरा कुंडियों से अपनी गाय की खुराक को तलाशता फिरता है। सारा साल इस गाय पर इस गर्ज से मेहनत करता है कि ईद कुर्बान पर उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा सके। स्कूल जाता था लेकिन फिर छोड़ दिया। अब कचरा चुनता हूँ ताकि कुर्बानी का जानवर पाल सकूँ और फिर इससे पैसे कमाऊँ। 12 साल सुदेश सुबह को स्कूल जाता है और दोपहर को मिस्त्री खाने में रिस्क तलाश करने आ पहुंचता है। उम्र 12 साल, लेकिन सोच कई साल आगे की। मैं स्कूल भी पढ़ता हूँ लेकिन काम भी करता हूँ और इधर काम भी सीखता हूँ और सबक भी पढ़ता हूँ और इस माशरे का बच्चा बन सकूँ। अगर स्कूल ना पढ़ सका तो फिर काम तो आता है ना। गुर्बत के हाथों मजबूर जहांजेब सारा दिन मेहनत करके भी सिर्फ 20 से 30 रुपए ही कमा पाता है। तालीम का शौक दिल में लिए मिस्त्री की दुकान में छोटा बनकर रह गया है। मजबूरी है, स्कूल मैंने छोड़ दिया, अब काम करके पैसे कमाता हूं ताकि घर चला सकूं। जहांगीर, सुदेश और जहांजेब जैसे लाखों बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल से बेखबर सिर्फ इस सोच में सारा दिन मेहनत करते चले जाते हैं कि शाम को घर का चूल्हा जलाने में अपना हिस्सा डाल सकें। स्पॉटलाइट के लिए पिशावर से फरजाना अली। नाज़रीन, अब पिशावर से आपको लेके चलते हैं लाहौर, जहां पे 14 साल शनाज की कहानी सुनाएंगी हुमा भट्ट साहिबा, जो हमारी रिपोर्टर है वहाँ पे। जब शनाज 4 बरस की थी तो इसकी माँ फौत हो गई थी और वालिद बीमार थे, इसी वजह से उन्होंने खुद भट्टे मजदूरों की तौर पे और भट्टे मजदूर बन के काम किया। आइए देखते हैं उनकी कहानी। 4 साल दिशा के लिए मेरी वालदा फौत हुई है, ये काम मजबूरी है करना। हर ख्वाहिश हैगी है मजबूरी पर काम ही करना पड़ता है। किताबों की बजाय मिट्टी से अटे हुए हाथ और गुड़िया और खिलौनों की बजाय ईंटों की ट्रॉली। लाहौर के इलाके वागा के करीब वाके भट्टे पर काम करती ये है 14 साल शहनाज, जो बच्चों के आलमी दिन से तो अनजान है मगर पढ़ने की बेपनाह ख्वाहिश रखती है। मैंने मौका मिला, मैं डॉक्टर बनूंगी, माड़ा का इलाज करूँगी।
शहनाज दिन भर अपने वालिद और छोटी बहन के हमरा ईंटें बनाने में मसरूफ रहती है। 4 साल की उम्र में प्यार और मोहब्बत से भरा माँ का आंचल छूट गया। वालिद दिल के आर्जे में मुबला हुए और 5.5 लाख रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज उसके कमजोर कंधों पर आ गिरा। दूसरी जमात में पढ़ाई को खैर बात कहकर ईंटों के भट्टे को ही कुल कायनात तसव्वुर कर चुकी शहनाज शाम को भट्टे से वापस आकर घरेलू कामकाज और वालिद की खिदमत में मसरूफ हो जाती है। वालिद को भी अब बच्चियों को पढ़ाने की बजाय बहाने की फिक्र लाहक है। कहते हैं स्कूल में बच्चियों का मजाक उड़ाया जाएगा, न जाने जिंदगी कितनी है, अब शादी ही बेहतर है। सोचे ये बेटा जगो को कमावांगे तो इन्हां दी कोई चीज बनाया के इन्हां दा कोई शादी शुदी दा कोई साथ बुलावा करांगे। और गरीब आदमी की कर सकता है। माशे की बेहिसी और परेशानियों के बोझ तले दबी शहनाज और उस जैसी बेशतर बच्चियां बचपन जवानी और ख्वाहिशात का गला घोंटकर जिंदगी की भूल भुलैयों में खोसी गई हैं। शहनाज और उस जैसी बहुत सी बच्चियां अपने वालदैन का तो सहारा हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात का पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। कैमरामैन अब्दुलरहमान के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। नाजरीन, अब लाहौर से आपको लेके चलते हैं रावलपिंडी और आपकी मुलाकात करवाते हैं 12 साल शमसुद्दीन से, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं मगर सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं, वक्त इतना नहीं कि वो पढ़ाई पूरी कर लें। आइए सुनते हैं उनकी दास्तान। यह है शमसुद्दीन, जिसका मोटो है छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। 12 साल शम्स रावलपिंडी के इलाके पीर वदाई की गुंजान आबाद बस्ती फौजी कॉलोनी का रिहायशी है। ताल्लुक तो अफगानिस्तान से है लेकिन दम पाकिस्तान का भरता है। फौजी कॉलोनी की ज्यादातर आबादी अफगान शहरियों पर मुश्तमिल है। हर घराना वसी घराना है और हर घर के बच्चे आम तौर पर गलियों और सड़कों पर मटर गश्ती करते दिखते हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चे इसी कॉलोनी की गली नंबर 29 में वाके गैर सरकारी तंजीम स्पार्क के मरकज में जमा होते हैं और अपने सुहाने मुस्तकबिल को सवारने की कोशिश करते हैं। शम्स भी अपना आधा दिन स्पार्क ही में गुजारता है और बकिया आधा दिन अपने बाप का हाथ बटाने में। सुबह 5 बजे मंडी जाते हैं और तकरीबन 12 बजे छुट्टी होती है तो 12:30 बजे इधर पहुंचता हूं। मैं तो स्कूल पढ़ना चाहता हूं और डॉक्टर बनना चाहता हूं। 4 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा शम्स स्पार्क का सबसे पुरएतमाद बच्चा है। इसकी गवाही शम्स की उस्ताद और साइकोलॉजिस्ट कुरतलैन भी देती हैं। वो माशाल्लाह तकरीबन 12 साल का बच्चा है लेकिन आज से पहले उसने कभी भी पेंसिल हाथ में नहीं पकड़ी। अगर आपने उसको देखा होगा कि वो कैसे लिख रहा है, लेकिन वो इतना शौक है उसके अंदर और इतनी मेहनत है उसके अंदर कि वो मैं जब उसको एक सफ़े पर काम लिखवाती हूँ तो वो मुझे शौक से कहता है कि टीचर मुझे और भी काम करवाएं। तो बहुत शौक है उसको, बहुत मेहनत करता है और कुछ करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके घर के हालात इस तरह के हैं कि वो आगे चलकर अल्लाह करे कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। शम्स की लगन सिर्फ अपना घर और अपना मुस्तकबिल संवारना नहीं, उसकी ख्वाहिश है कि फौजी कॉलोनी का हर बच्चा और हर घर तालीम और तरक्की के जेवर से आरास्ता हो। नाजरीन, आज के पाकिस्तान में क्या इन बच्चों के जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकते हैं? इस सवाल के साथ हमने अपने गेस्ट को दावत दी है। इस वक्त हमारे साथ हैं जस्टिस अली नवाज चौहान साहब, आप चेयरमैन हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फरशाद इकबाल साहब, आप मैनेजर रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस हैं स्पार्क के, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी सबा सादिक साहिबा, आप सभी इनको जानते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत काम कर चुकी हैं, चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब एंड मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर। जल्द ही हमें मोहम्मद सुल्तान भी ज्वाइन करेंगे पिशावर से, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले चौहान साहब, आपसे बात शुरू करती हूँ। ये सारे बच्चे 15 साल की उम्र से कम हैं। हमारा कानून ये कहता है कि 15 साल के कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, मगर फिर भी ये काम करते हैं, कानून भी मौजूद है। क्या वजह है कि हुकूमत जो है इस नासूर के पर काबू नहीं पा, एक तरीके से इसको ख़त्म नहीं कर पाई इस मामले को? देखिए, अमेरिकन ये समझते हैं कानून क्या है, वो है जो रियलिज्म में है, सिर्फ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से कानून नहीं होते। मगर ये कानून तो हमने बनाया। नहीं, कानून हमने बनाया, जिस तरह कानून बनते हैं पाकिस्तान में जल्द उसके सारे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो नहीं देखे जाते। बहरहाल मुख्तसरन अर्ज ये है कि पावर्टी जिसे कहते हैं इज़ द मदर ऑफ ऑल ईवल्स,
ये बच्चे जो हैं, कानून आप जो बनाए उसने रोटी खानी है, घर लेके जानी है। गवर्नमेंट का काम है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है कि उनके लिए तालीमी अदारे खोले, उनको कंपलसरी एजुकेशन दे, वो नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा सर आप भी तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम इंडिपेंडेंट कमीशन, स्टेट को रिप्रेजेंट करता जी, स्टेट, इसलिए हम खुली बात करते हैं और उस पर खफा भी लोग हो जाते हैं। देखिए, बात ये पैदा होती है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, वो जाके नहीं कहते ये जितने मैकेनिक्स हैं या बाकी लोगों को कि भाई इनकी सोशल सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, या सोशल सिक्योरिटी के नीचे क्यों नहीं लाए जाते, हाथ उसके जले हुए हैं, ये तो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल होना चाहिए जो बच्चों को लेके जाए। वेस्ट वाले हमारे पीछे इसलिए पड़े हुए थे कि वो जो है कालीन बाफी और इस चीज़ों में, लेकिन असल तो बच्चे वो हैं जो सब उठा रहे हैं गंद बला सड़क से, और जिनका हमने जिक्र किया और आपको दिखाया। ठीक, और उसके बाद तो आप ये कह रहे हैं कि कानून तो बन गए मगर काम करना अभी बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन जब तक ना हो कानून की, वो कैसे होगी? उसके वो तभी हो सकती है ना कि मुतबादिल उनके लिए इंतजाम किए जाएं। जब तक इंतजाम नहीं करेंगे तो लॉ तो वैक्यूम में नहीं काम करता ना। अच्छा फरशाद साहब, आप क्या समझते हैं कि लॉ तो बना दिया, उसका कोई ऐसा जरिया नहीं बनाया जिसके तहत जो लॉ है वो लागू हो सके? मगर आपने मुझे बताया था प्रोग्राम से पहले कि कुछ ऐसे कानून हैं जो अब तक बने नहीं, जिस तरह के अगर जो लोग बच्चे घरों में काम करते हैं उनके लिए कोई कानून है ही नहीं। डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट राइट्स बिल आया था 2016 में, नेशनल असेंबली से पास हुआ, बट वो आगे नहीं उसका कुछ हुआ। इस वक्त डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जनरली आपके पास कोई कॉम्प्रीहेंसिव लॉ अवेलेबल नहीं है, जिसमें चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर भी ऑब्वियसली आता है, उसको प्रोहिबिट करने कोई लॉ नहीं करता। प्लस जो डोमेस्टिक वर्कर्स इन जनरल है उनके लिए भी लॉ नहीं है। जो डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट राइट्स बिल था वो चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को भी बैन करता था और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी जो राइट्स हैं उनको एक्सप्लेन करता था। पाकिस्तान जो है वो C-148 का भी सिग्नेटरी नहीं है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स कन्वेंशन है ILO की। अगर पाकिस्तान उसको रेटिफाई कर दे तो फिर बाय इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट उनको लॉ बनाना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम रिमेन्स के लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। मगर कानून है भी नहीं, आप ये कह रहे हैं कुछ कानून है भी नहीं। देखिए, लेटर एंड स्पिरिट अगर आप देखें तो लॉ अगर 14 ईयर्स की एज बार देता है, पंजाब में 15 ईयर्स की एज बार है, द रेस्ट ऑफ द कंट्री 14 है। अगर इन लेटर एंड स्पिरिट देखें तो आपको शायद ये बात ना करनी पड़े कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट्स का वर्ड है, एग्रीकल्चर का जिक्र नहीं है या इनफॉर्मल सेक्टर का जिक्र नहीं है, बट इन लेटर एंड स्पिरिट लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। केस के अंदर जिस तरह के कोई लॉ ही नहीं था, कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत आप सजा दे सकते डोमेस्टिक लेबर के लिए, यही हुआ था ना? अक्सर फिर होता ही है कि जब वायलेंस का केस आता है, बच्चे के ऊपर तशद्दुद होता है, तो पाकिस्तान पीनल कोड की कोई शिक लगा दी जाती है उसे रेलेवेंट, और दूसरी तरह से फिर इसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो स्पेसिफाइड लॉज होने चाहिए बच्चों के लिए, यू वुड स्टिल से के होने चाहिए, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है उसको इम्प्रूव करने की भी। अच्छा सभा सादिक साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊंगी, ये जो हमने बच्ची शहनाज का हमने जिक्र किया है, आप तो ब्रिक किन्स के खिलाफ जो भट्टा मजदूरी करते हैं उनके खिलाफ तो आप कानून बना चुके हैं, उस कानून के तहत आपने एक इंस्पेक्टर भी रखा हुआ है ताकि वो ये इंश्योर करे कि वहां पे कोई बच्चा काम नहीं कर रहा, फिर आपने पेनल्टी भी दी हुई है, वो काफी सख्त पेनल्टी है, उसके अंदर तो आपको कैद हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है। क्या वजह है कि अब तक बच्चे जो है वो भट्टे मजदूरों के तौर पर काम कर रहे हैं पंजाब में? देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस कानून को बनाने के लिए बहुत सीरियस अपनी एफर्ट्स गवर्नमेंट की भी करवाई, और इसकी ना सिर्फ कानून साजी की गई बल्कि इस कानून को नाफिजुल अमल करने के लिए तमाम जो सरकारी वसाइल थे, तमाम सरकारी महकमों को जो है एक पैच के ऊपर लाके खड़ा किया गया और उनसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंश्योर किया गया कि वो तमाम बच्चे जो भट्टों पे काम करते हैं, शहनाज जैसी बच्चियां और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो भट्टों में नस्ल दर नस्ल एक मफकूत हालत में थे, उनको वहां से ना सिर्फ आजाद करवाया बल्कि उनको स्कूल का रास्ता, ये अच्छा काम आपने किया, मगर आज भी बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं। ये जो शहनाज की कहानी हमने आपको सुनाई है वो कल भट्टे पे गई हुई थी, ये कल हमने स्टोरी बनाई है उसके ऊपर, कल हम पैकेज मैंने हुमा की ये देखी है स्टोरी जी आपकी, इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले मैंने ये प्रोग्राम देखा है आपका जो आपके क्लिप्स चले हैं कि शहनाज बच्ची को ख्वाहिश है पढ़ने की, मगर इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्टेट ने और आईनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने
पूरी करने के लिए कानून भी बनाया और इस पे अमल दरामद कराने के लिए सख्त से सख्त सजाएं भी दी और इसकी मॉनिटरिंग भी की। बहरहाल इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि अभी पूरी तरह इस पे काबू पाया जा चुका है, अभी हमें बहुत सारी एफर्ट मजीद करनी है। ये कानून 2016 में बना और फुल स्पिरिट के साथ गवर्नमेंट ने इसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने खुद इनकी मीटिंग सेट की। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट जो बैकग्राउंड है वो हमें मालूम है, हमारे व्यूअर्स को भी मालूम है, हम इसको फॉलो करते रहे हैं, मगर मामला अभी तक जो है वो खराब है बच्चों के लिए। तो इसके ऊपर बात करना जरूरी है, मसला कहाँ है ये इसके ऊपर हम बात करेंगे छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और आज बच्चों का आलमी दिन है। तकरीबन 1,25,00,000 बच्चे आज भी मेहनत मुशक्कत करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सुल्तान साहब ने, पिशावर से चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। आप हमारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे जी, ये बताइए कि जो बच्चे हैं कई तो ऐसे होते हैं जो गैंग्स के हाथों चढ़ जाते हैं और उनको बाहर भेज दिया जाता है कि जी आप जाएँ मांगें, कई के माँ बाप जो होते हैं वो उनको बाहर भेज देते हैं, तो आप माँ बाप को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस आलमी दिन पे आप ऐसे बच्चों का ज़िक्र कर रहे हैं कि जिनसे अब भी मुशक्क़त ली जा रही है। बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं और ये बदकिस्मती की बात है कि किसी एक तरक्की पज़ीर मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे चाइल्ड लेबर पे मजबूर हों। मेरे ख़्याल में वालदैन का तो बहुत बड़ी, यानी मैं कहूँ कि उनकी कोताही है और गैर जिम्मेदारी है कि यानी बच्चे अगर उनके हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को बाकी सारी चीज़ें वो कम करके के बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी नहीं, है। आप क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं तो अपने आप जो अपना काम करते हैं उसके अंदर बच्चे आपके पास आते होंगे, किस तरह बच्चे मुतासिर होते हैं, उनको किस किस्म के खतरात होते हैं जब वो घर से बाहर निकल के मेहनत मुशक्कत करते हैं? सुल्तान साहब, बहुत सारे मुश्किलात होती हैं बच्चों के लिए और ये बच्चे जो मैकेनिक्स की दुकानों पे और दूसरे वर्कशॉप्स में या कहीं फैक्ट्रीज़ में या कहीं और ऐसी जगहों पे काम करते हैं तो इनके साथ बुलिंग होती है, इनको के साथ इनका इमोशनल और फिज़िकल टॉर्चर होता है, एब्यूज़ होता है एंड इवन सेक्सुअल एब्यूज़ के भी बड़े चांसेस होते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि इस किस्म के बच्चे बेचारे जो उम्र उनके पढ़ने का है वो उनकी मेहनत मुशक्कत में गुजरता है और वो बड़ी मुश्किल से वो वक्त गुजारते हैं और फिर जब अगर वो इस तरह की बदकिस्मत अगर एब्यूज़ का भी शिकार हों तो ऐसे बच्चों में कॉन्डक्ट डिसऑर्डर जिनको कहते हैं कि इनमें यानी इनके रवैयों में इनकी आदतों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो इनमें कानून की खिलाफ वर्जी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झगड़ा और ये बड़ी छोटी उम्र में मनुष्यात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हर किस्म की बुराई से वो एक तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। चौहान साहब आपकी जानिब आऊंगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी सेटअप किया गया, वहाँ पे इस तरह के सुल्तान साहब जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फराहम है बच्चों के लिए? नहीं, ये तो मैडम बता सकती हैं लेकिन मेरा ख्याल है जिनकी जितनी तादाद चाहिए उतने नहीं है। और डॉक्टर साहब ने एक बात छोड़ दी, वो ये है कि ये जो बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है सुसाइड बॉम्बिंग में, इसके ऊपर कंट्रोल करना तभी होगा जब मदरसों पे कंट्रोल किया जाएगा और वहाँ से बच्चे जो हैं उनको मशक्क़त और मांग रहे होते हैं मदरसों के बच्चे संदूक उठाए हुए, तो उनको ये सिखाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो एक ओवरऑल नेशनल पॉलिसी फॉर द चाइल्ड होनी चाहिए। नेशनल क्यों नहीं है? मैडम अब तक क्यों नहीं बन ये तो आप एमएनए से पूछें
और उनसे पूछें कि भाई वो क्यों नहीं नेशनल पॉलिसी बनाते ऑन चिल्ड्रन। फरशाद साहब, आपने बहुत सारा काम किया, आपने कहा कुछ कानून बन गए कुछ अभी नहीं बने। जब 18वीं तरमीम आई हमने देखा कि बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गई, कुछ कानून सूबों ने बनाने थे, कुछ बनाए कुछ नहीं बनाए। मुझे ये बताइए, कानून एक तरफ, पॉवर्टी एलिविएशन, अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो जाहिर है उसने अपने बच्चे को बाहर भेजना है, उसके ऊपर हुकूमत ने कितना काम किया? उसमें हुकूमत की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाहे आप सब प्रोविंसेस को आप देखें, फेडरल गवर्नमेंट को देखें, वो अलाइंड नज़र नहीं आती। सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम ये है, आप एक तरफ अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन कर रहे हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रहे हैं, तो गुर्बत तो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नेचुरली आपके मुल्क के अंदर उसमें इजाफा ही होगा, और फिर ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर भी होगा, उसकी वजह से और मसाइल भी होंगे। आपका जो बैतुल माल है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये कहीं अलाइंड नज़र नहीं आता चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए या इंसेंटिव देने के लिए कि आप अपना बच्चा स्कूल लेबर में ना डालें। मगर ये बताइए कि आपने कहा कि जो जितने भी हुकूमत ने स्टेप्स उठाए हैं वो कॉस्मेटिक हैं, आपने ये क्यों कहा? मैंने ये इसलिए कहा कि देखें, जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंडेक्स आई है 2017 की, उसमें पाकिस्तान का 118 रैंक था लास्ट ईयर, इस साल 125 है और 130 लोएस्ट रैंक है। तो यहाँ से आप जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, ये जिस मुल्क ने की है, डेवलपिंग कंट्री ने, उसने तरक्की की है। और इसमें क्या है कि आप अपना हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं। अगर पंजाब के अंदर नो डाउट बहुत काम हुआ है, लेकिन बाकी प्रोविंसेस हो गया, पंजाब हो गया, फेडरल गवर्नमेंट, दे ऑल नीड टू बी अलाइंड। इवन जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अदारे हैं उनके दरमियान भी जो है कोऑर्डिनेशन गैप्स बहुत ज़्यादा है। अभी एक नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड बनाने के लिए बात हो रही है, एक बिल नेशनल असेंबली में पास भी, आई होप वो बने और उसके अंडर जो है काफी देर हो गई उसको पास हुए हुए। हाँ, आई होप नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। सभा सादिक साहिबा, ये एक बात सही तो है, आप लोग कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं कर पाते। नेशनल कमीशन ऑन द चाइल्ड राइट्स एक बिल पास हो गया है, अब तक उसका वजूद नहीं हुआ, तो क्या बड़ी लास्ट प्रायोरिटी है ये सारे बच्चे, क्योंकि ये वोट? देखिए, इसके ऊपर मेरा फेडरल गवर्नमेंट के साथ रابطہ हुआ है जी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन चीजों को एक ब्रिज की हैसियत से लेके आगे चल सकूं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने 4 साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब में किया, तो जब मैंने फ्लॉज देखे उसके ऊपर मैं कोशिश कर रही हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट का आपस में एक हारमोनी हो, कोऑर्डिनेशन हो, और जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए वो बहुत हद तक हो चुकी हैं, और उनको लेके आगे चलने की जरूरत है। नहीं नहीं, मगर जब आप कहती हैं, सभा साहिबा कतक लामी माफ, जब आप कहती हैं कि बहुत हद तक हो चुकी है, तो मैं आपको एक फिगर देती हूँ, 2,26,00,000 बच्चे जो हैं 5 से 16 साल की उम्र के दरमियान वो स्कूल से बाहर हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसकी क्या वजह है? हुकूमत कहती है कि हर बच्चे का ये इख्तियार है, उसका हक है कि उसको फ्री एजुकेशन, फ्री तालीम दी जाए, मगर नहीं दी जाती, उसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं कुछ नहीं कर बिल्कुल पाती? हमारे सुबह पंजाब में बच्चों के लिए ना सिर्फ फ्री बुक्स हैं, फ्री एजुकेशन है, बल्कि उनके लिए हमने कंपलसरी एजुकेशन का बिल भी पास किया है, ताकि ऐसे बच्चे जिनको स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा उनको स्कूलों में हम बाय फोर्स भिजवाएं, उनके पेरेंट्स के लिए इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। और हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे रिमोट एरियाज में है, आपको मनीजे सुन के खुशी होगी कि वो बच्चियां जो स्कूलों में जा रही हैं उनको हम स्टाइपेंड दे रहे हैं, ताकि उन बच्चियों के लिए थोड़ा बहुत इंसेंटिव हो। प्रशांत, फिर आप क्यों कहते हैं कि कॉस्मेटिक खुराक का इंतजाम स्कूल्स में किया गया है? आप क्यों कहती हैं? आप क्यों कहती हैं? मैं लाहौर में था, एक बच्चा था, उससे मैंने पूछा, वो 50 रुपया दिन की दिहाड़ी पे काम कर रहा था वर्कशॉप में, मैंने कहा तुम पढ़ते थे पहले? उसने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ता था। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहता है क्योंकि स्कूल में जो है तालीम जो है वो अच्छी नहीं थी उसको। फिर कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, टीचर मारते हैं, गालियां देते हैं इन पब्लिक स्कूल्स, उनकी सेल्फ स्टीम इतनी हर्ट होती है कि वो छोड़ देते हैं। मैं अगर आप मुझे कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात हो रही है जिसके खिलाफ कानून बना हुआ है, मगर पता नहीं वो हरकत में आता है कि नहीं आता। जी सभा साहिबा, एक सेकंड, जस्टिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी जानिब आऊंगी, जस्टिस साहब की बात। देखिए, गुजारिश ये है, ये मैं भी कुछ इसमें उसके लिए दो बंदों की फांसी मैंने रुकवाई है, और मैं शुक्रगुजार हूँ बच्चों की हुकूमत पंजाब का कि उन्होंने मेरे कहने पे रोक दी है, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट में या इस इशू पे कभी डिस्कशन हुई ही नहीं थी, और उनकी वो राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे थे। डेथ पेनल्टी तब दी जाए जब ये सारे तकाजे पूरे किए जाएं। तो अवेयरनेस ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं। अवेयरनेस, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम मिस कर रहे हैं, क्या वो है? चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग,
और चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग में पाकिस्तान के बड़े इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसका जिक्र पिछले दिनों में एक टीवी पे भी बड़ा बसियार आया है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैं तो नहीं, इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस मौजू पे जो बात कर रहे हैं, तो डेवलप्ड दुनिया में तो यानी ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि स्कूल एज के बच्चे वो दुकानों पे और ऐसी जगहों पे काम करेंगे। तो सिर्फ लॉ बनाना यानी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा अहम है कि जो लॉ बने उस पर कोई एक्शन भी लिया जाए। लेकिन आज भी हम पूरे पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में, हम देखते हैं कि हर जगह पे चाइल्ड लेबर, चाहे आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, आप वर्कशॉप्स में जाएं, आप मैकेनिक की शॉप में जाएं, फैक्ट्रीज में जाएं, तो छोटी उम्र के लड़के उधर काम कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में जब आप कहते हैं कि हमने लॉ बनाया है और हम पेरेंट्स को वो भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लॉ फिर ऐसे होना चाहिए कि ऐसे पेरेंट्स को बाकायदगी से यानी उनकी सरजनिश की जाए और उन पे जुर्माने किए जाएं। और सभा साहब, जो जो गैंग्स बने हुए हैं, जो बच्चों से मेहनत मुशक्कत कराते हैं, क्या वो मुझे पहले काम कर रहा है आपकी? मुझे कतई कलामी की माफी दीजिएगा, पहले दो इश्यूज जो इंडिकेट हुए। पहला इशू चाइल्ड ट्रैफिकिंग के हवाले से जज साहब ने, चौहान साहब ने बात की, इनके इलम में होगा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, वजीर आला ने एक बहुत मुअसर कमेटी आज से तकरीबन 3 साल पहले कायम कर दी थी। नहीं, उसमें एफआईए के आला हुकाम है और अलग प्रोग्राम रिसेंटली हमने बहुत अहम मौजू से मंगवाई है, बहुत अहम मौजू है। और अगर जज साहब के पास कोई इंफॉर्मेशन है, फिर मैं इनसे ये है, क्योंकि चाइल्ड लेबर का टॉपिक है, ये सवाल बहुत अहम है, आई होप आप इसका जवाब देंगे कि जो बच्चों के गैंग बने हैं उसके ऊपर कोई क्लैंप डाउन करने का काम हुआ है? आप, हम पंजाब में, लाहौर में, बड़े अजला में हर 15 दिन बाद एक ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, जिसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिला इंतजामिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो इसको लीड करता है, और वो तमाम बच्चे जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। और फिर उनके पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि इन बच्चों को अगर आप सड़कों पे लाएंगे तो इनको हम अपनी रेस्क्यू कस्टडी में रखेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमारी स्पेशल ब्रांच और ऐसी खुफिया एजेंसीज के साथ बात हुई है प्रोविंस में, आईजी से हम मिले हैं कि हमें प्लीज इन चीजों को एश्योर करके दिया जाए कि क्या कोई इनके पीछे ऐसे ग्रोह काम कर रहे हैं। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों के मामलात को सुलझाया जाए। मगर मुनी से मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, मुझे सिर्फ एक चीज, मैं सिर्फ एक चीज इनसे क्लियर करना चाहूंगी, चौहान साहब से भी और बाकी हमारे जो इस वक्त ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, कि अगर उनके पास किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है तो बतौर एक पंजाब हुकूमत के नुमाइंदा के और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होने के, कि मेरे तक ये इंफॉर्मेशन अभी तक इन्होंने शेयर क्यों नहीं की? अगर ये मेरे तक शेयर करते तो इनको पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को ओवरकम कर सके। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ पंजाब के ऊपर ये महदूद ना हो जाए। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और हमने देखा है कि जो पिशावर और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा फाटा के बच्चे हैं, क्वेटा के बच्चे हैं, उनका तो उन्होंने बहुत सफर किया है, बहुत ज्यादा सफर किया है, वहां पे वायलेंस रहा है, वहां पे टेररिज्म रहा है। डॉक्टर साहब, आपके जानब आना चाहूंगी, एपीएस का हमने मामला देखा है, आप ये बताइए कि जो बच्चे आपके पास आते हैं वो कैसे कोप कर रहे हैं इस टेररिज्म से, और इसके लिए हुकूमत क्या कोई कुछ कर सकती है या एज अ सोसाइटी हम कुछ कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये एक बहुत अहम इशू है, और टेररिज्म पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ासकर सूबा सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल इलाकों में, तो ये इंतहाई हद तक दहशतगर्दी पहुंच गई थी। सर, आपके पास जो बच्चे आते हैं उनके क्या मसाइल हैं आजकल? जो बच्चे आ रहे हैं, हैव दे रियली बीन अफेक्टेड बाय दिस? हाँ जी, रियली देयर इज अ ह्यूज नंबर के जो इस किस्म के हालात से जो गुजरे हैं, तो उनमें स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो जिसमें
जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसे बच्चे हम काफ़ी देख रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों में फोबिक डिसऑर्डर यानी उनमें घबराहट और परेशानी की बीमारियां बहुत होती हैं, उनमें जब कहीं शोर होता है या कोई तेज़ धमाके सी की आवाज़ आती है तो वो बिल्कुल खौफज़दा हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई वगैरह काफ़ी मुतासर होती रही है। और हमारे पास कई बच्चे डिप्रेशन के साथ जो ऐसे हालात में से गुजरे हैं जिनमें उन्होंने ऐसे यानी खुद किसी धमाके के करीब वाली जगह पे हों या उनके रिश्तेदार वगैरह इन धमाकों में जो शहीद हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो अफेक्टेड हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कबायली इलाका जात में जहाँ मैं जाता रहा हूँ और मैंने वो लोग कबायली इलाकों में भी देखे हैं और इधर खैबर पख्तूनख्वा में भी कि हमारे पास चाहे वो आपसे मैं जाऊंगी और कंक्लूडिंग रिमार्क लास्ट फ्यू लाइंस, इस वक्त जो हुकूमत है वो और क्या कर सकती है, क्या कानून साजी की जरूरत है, क्या इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत है, व्हाट कैन वी डू इमीडिएटली? मेरा ख्याल है इमीडिएटली आपको ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की एक तो ज़रूरत है, प्लस प्रोविंसेस और फेडरेशन को बैठ के हार्मोनाइज चीज़ें करने की ज़रूरत है। प्रोविंसेस सीम टेरिटोरियल एज कैट्स राइट नाउ, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। अपनी ईगोज एक साइड पे रखें, इकट्ठे मिलकर काम करें बच्चों के लिए। जी चौहान साहब, मेरा तो मुख्तसर अर्ज ये है कि मस्जिदों को वेलफेयर सेंटर बनाया जाए जहाँ के बच्चों को तालीम भी दी जाए और लोगों के जो अड़ोस पड़ोस के नेबरहुड है, जो मकसद था असल मस्जिद का इबादत के अलावा, उसको यूज़ किया जाए एंड गवर्नमेंट शुड यूज़ इट्स रिट फॉर दैट पर्पस, ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स हो, ये ना हो कि नेगेटिव रिजल्ट में चीज़ें चली जाएं और ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ऑलराइट, सभा साहिबा ये ना कहिएगा कि पंजाब हुकूमत ने ये किया वो किया, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट वूमन, आपने बहुत काम किया है। मैं चाहती हूँ कि आप फॉरवर्ड लुकिंग हो, बताएं कि इस वक्त कोताही कहाँ है और कहाँ पुर हो सकती जी। मैं अनीसे मैं दिल से बात करूंगी बच्चों के हवाले से, क्योंकि माँ का दिल बड़ा नरम होता है बच्चों के लिए, कि ये सेंसिटाइजेशन ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जहाँ हुकूमतों की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे एक ऐसा हमारे माशरे का हिस्सा हैं कि जो हम सब के लिए बहुत कीमती हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के इस तवसुत से सबसे दरख्वास्त करूँगी कि ये इस इशू के ऊपर हम सबको इकट्ठे मिल बैठना है, हमें तमाम तफरीक को दूर करना है और कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे बच्चों के हवाले से बेहिसी को खत्म करके इनको हमें प्रायोरिटी की जो है वो अपनी बनाना पड़ेगा, तभी हम इन बच्चों को जो है एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल लास्ट लाइन कह दीजिएगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट फिल फॉर बच्चों के लिए, खासतौर पर बच्चे जो मेहनत मुशक्कत करते हैं, उनके लिए क्या हुकूमत कर सकती है, क्या सोसाइटी कर सकती है ताकि उनके लिए बेहतरी हो? मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, मैं साइकियाट्रिस्ट हूं और बच्चों के प्रॉब्लम्स देखता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लॉज तो बड़े अच्छे बने हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उन पे अमल करना और ट्रू स्पिरिट में अमल करना वो बड़ा ज़रूरी है, और गरीब वालदैन की माली मुआवनत करना और उनके बच्चों को ज़रूरी मैंडेटरी बना देना कि बच्चे स्कूल में रहेंगे, कोई बच्चा किसी भी इदारे में कहीं भी काम नहीं कर सकेगा, तो ये एक वाहिद सलूशन है कि हमारे बच्चे कल जाके एक रिस्पॉन्सिबल और प्रोडक्टिव शहरी बन सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सभा सादिक साहब।